गणेश जी को टैक्स भेजा जा रहा है जबकि उनकी कोई भी पेमेंट नहीं है। कम से कम ट्रायल तो है ना, इसके लिए कोर्ट में जाने के लिए भी हमें अपील करनी पड़ेगी। एशियन गेम्स की ट्रायल हो रही है, वो ट्रायल में 53 किलो बाल वर्ग में दिनेश जी को टैक्स भेजा जा रहा है जबकि उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है, कोई भी अचीवमेंट नहीं है उनकी पूरे पिछले एक साल से, ना ही उन्होंने प्रैक्टिस की है, इंजरी में है, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, फिर भी उनको टैक्स भेजा जा रहा है। जब पिछले साल कॉमनवेल्थ की ट्रायल मेरी उनके साथ हुई थी तो 3 दिन से मेरी उनके साथ बाउट हुई थी, जब भी मेरे साथ चीटिंग हुई तब मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो मैं एशियन गेम्स के लिए अच्छा करूंगी, वहां से मैं ओलंपिक क्वालिफाई करूंगी वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। इस बच्चे का बोल रहे हैं कि विनेश जी को ट्रैक्ट भेजा जाएगा, ये थोड़ी होता है। मैं 65 केजी में खेलता हूं और अब ये पीछे जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी तब भी मैं फाइनल बाउट में हार गया था बजरंग से, तो अब उनका एशियन गेम्स में सीधा सिलेक्शन कर दिया गया है 65 में, आके बगैर ट्रायल सीधा सिलेक्शन एशियन गेम्स में। तो अब उन्होंने अभी धरना चल रहा था, अब धरने में थे वो एक साल से ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ, और हम यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम ये अपील करना चाहते हैं अगर कम से कम ट्रायल हो हमारी, हम ये नहीं करे अगर हमारा फेवर करो किसी चीज में, अगर बेनिफिट दो, अगर फाइनल लड़ाओ हमें, सेमीफाइनल कुश्ती लड़ाओ, या हम तो ये चाहते हैं ट्रायल लो हमारी, धरना भी देंगे, हमारे घर वाले भी हैं वो भी धरना कर रहे हैं जगह जगह, और हम नहीं इससे भी नहीं हुआ तो हम कोर्ट में भी अपील करेंगे अगर हमारी ट्रायल लो, हमारा पहलवानी का फायदा क्या है, हमें 15 साल हो गए यहाँ पे, अब ट्रायल ही नहीं लेंगे तो हम जाएं कहाँ फिर, इसका मतलब तो पहलवानी छूट गई हमारी, तो